हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3 जुलाई 2018 का द हिंदू न्यूज़पेपर से न्यूज़ देखेंगे। आज इन टोटल 13 टू 14 न्यूज़ हैं एंड फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है झारखंड सीएम रघुबर दास अनाउंस दैट द फर्स्ट खादी मॉल ऑफ द कंट्री विल बी ओपन इन झारखंड। इंडिया का पहला खादी मॉल झारखंड में ओपन होने वाला है और वहाँ के जो सीएम है रघुबर दास उन्होंने ये लॉन्च किया है। और जो ये खादी मॉल है ये हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेशन है तो उसके लैंड में बनेगा। और झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट टू सेट अप अ 13 मेंबर कमिटी दैट विल बी हेडेड बाय रविंद्र एच ढोलकिया to upgrade the norms for computation of economic data at states and district level in the backdrop of plans to revise the base year for national accounts or GDP calculation. Base year and GDP calculation के लिए government 13 member की committee set up कर रही है जिसके head हैं रविंद्र एच ढोलकिया। Next news is उड़ीसा एंड राइम्स ये दो लोगों ने एमओयू साइन किया है। और एमओयू क्यों साइन किया है, दे हैव साइंड इट फॉर इन्हांसिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर इन द स्टेट्स इंक्लूडिंग फूड ड्राफ्ट हीट वेव लाइटनिंग एंड रोड एक्सीडेंट्स। उड़ीसा एंड राइम्स ने एमओयू साइन किया है ताकि वो उड़ीसा में जितने भी डिज़ास्टर होते हैं या फिर फूड को लेके या फिर सूखा पड़ जाता है या फिर बहुत ही गर्मी पड़ जाती है, बारिश हो जाता है, रोड एक्सीडेंट होता है, इन सब को मैनेज करने के लिए ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो उड़ीसा एंड राइम्स ने कोलैबोरेशन साइन की है। और राइम्स का फुल फॉर्म है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। और उड़ीसा का सीएम है नवीन पटनायक एंड गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट न्यूज इज भितारकानिया नेशनल पार्क हैज़ बिकम द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ द इनडेंजर्ड एस्टुअराइन क्रोकोडाइल्स इन द कंट्री। एस्टुअराइन क्रोकोडाइल्स एक तरीके का प्रजाति है क्रोकोडाइल का जो कि बहुत ही कम है और इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और इस ये सबसे ज़्यादा पाए गए हैं भितारकानिका नेशनल पार्क में जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट न्यूज़ है बीएसई एंड बीएमई हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द ग्रोथ एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन द नॉन फेरस मेटल कॉम्प्लेक्स। बीएसई जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म है एंड बीएमई जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे मेटल एक्सचेंज, इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है ताकि ये मेटल कॉम्प्लेक्स का जो मार्केट है उसमें डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा डेवलप कर सके। बीएसई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट न्यूज है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ये सिलेक्ट हुए हैं मैक्सिको के प्रेसिडेंट जो कि नए प्रेसिडेंट हैं मैक्सिको के और इन्होंने 53% से भी ज़्यादा वोट जीते हैं। मैक्सिको का कैपिटल का नाम है मैक्सिको सिटी एंड मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पेसो। नेक्स्ट न्यूज इज विजय श्रीनिवास अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने नया डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर अपॉइंट किया है जिनका नेम है विजय श्रीनिवास। एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है चेन्नई में जो कि तमिलनाडु में है एंड ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट न्यूज इज राहुल द्रविड जो कि इंडिया के फॉर्मर इंडियन कैप्टन रह चुके हैं क्रिकेट के, ये फिफ्थ ऐसे इंडियन हैं जो ICC हॉल ऑफ फेम 2018 में एड हुए हैं। इनसे पहले अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर, विशांत सिंह बेदी एंड कपिल देव ऐड हो चुके हैं ICC हॉल ऑफ फेम में। और ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल एंड इसका CEO है डेविड रिचर्डसन
और आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। नेक्स्ट न्यूज़ है मलेशियन वेटरन ली चोंग वे। ली चोंग वे जो कि मलेशिया के हैं, इन्होंने मलेशियन ओपन बैडमिंटन सिंगल्स इन मैन कैटेगरी इन्होंने जीता है और इन्होंने लगातार 12th टाइम जीता है ये मलेशियन ओपन बैडमिंटन। और जो ये इवेंट था ये कुआलालंपुर में हुआ। और वुमेन कैटेगरी में टाई जू यिंग जो कि ताइवान की हैं, इन्होंने जीता। नेक्स्ट न्यूज इज NRL जिसका फुल फॉर्म है नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो कि आसाम में है। ये इंडिया का पहला PSU ऑयल PSU बन गया है जिसने ऑनलाइन लीगल कंप्लायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है लेगाट्रिक्स। नेक्स्ट न्यूज है आर्टिस्ट एंजोली इला मेनन जिनको अभी हाल ही में इनको अवार्ड मिला है नेशनल कालिदास सम्मान से, इन्हें नवाजित किया गया है जो कि दिल्ली में हुआ था और इनको विजुअल आर्ट्स के लिए मिला है फ्रॉम MP गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज इज PK श्रीवास्तवा अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल एंड चेयरमैन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFP। PK श्रीवास्तवा को डायरेक्टर जनरल एंड चेयरमैन बनाया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का। एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। सो ये आज के 12 न्यूज थे। होप मैंने इन्हें 10 मिनट में आपको कंप्लीट कर दिया है। तो अभी 10 मिनट में पूरे दिन का न्यूज़ आप एक बार में गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको और कोई न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स। एंड एग्जाम्स में फालतू के जो टॉपिक्स होते हैं, जो गॉसिप्स होते हैं, वो सब पूछे नहीं जाते। सो दे आस्क यू द प्रिसाइज न्यूज़ एंड जो न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आज डिस्कस किए। So we'll be back with tomorrow's news in my tomorrow's video. So till then, goodbye and thank you. And please subscribe to my channel and do like this video.